आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू पालक की सब्ज़ी, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही नरिशिंग और पौष्टिक होती है, और इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी पालक ली थी, जिसे मैंने पहले साबुत पत्तों को अच्छे से धो लिया था पानी से, और फिर इस तरह से मैंने कट कर लिया है, रफली कट करके लिया है मैंने। पालक को थोड़ा ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी होती है। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, और 2 प्याज लिए हैं जिन्हें रफली कट कर रखा है, और 1 बड़ा टमाटर, और लहसुन अदरक को इस तरह से मैंने क्रश करके लिया है। लहसुन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, इसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है, और 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। तो चलिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी थी, उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला, और आधा चम्मच जीरा, और रफली प्याज कट करके डाल दिए हैं 2 मैंने। इनको भून लेंगे अच्छे से, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें। और साथ में ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक, जो मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला है इसके अंदर। और आलू पालक की सब्ज़ी में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो यहाँ देखिए प्याज भी भुन गया है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ प्याज देखिए हल्का सा पिंक हो गया है, बस अब हम इसी स्टेज पे इसमें मसाले डाल देंगे। तो आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। सभी मसालों को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आलू पालक की सब्ज़ी जितनी खाने में टेस्टी लगती है उतनी ही हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि पालक में आप सभी जानते हैं कि बहुत आयरन होता है और कैल्शियम, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जैसे कि मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाए और मसाला जो है वो जले भी ना। और अब मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला जितने अच्छे से भुना होगा सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, तेल भी जो है रिलीज़ हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, और 1 हरी मिर्च साथ में। अब सभी मसालों के साथ में हम टमाटर और हरी मिर्च को भी भून लेंगे। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है मसालों के साथ ही, और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हमारे घर में तो इसी तरह से आलू पालक की सब्ज़ी बनाई जाती है। आपके घर में किस तरह से बनाया जाता है आलू पालक की सब्ज़ी को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने साथ में ही कसूरी मेथी डाल दी है इसमें, और आलूओं को भी हम मसाले के साथ ही डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे। अब इसको भी हमें भूनना है मसालों के साथ ही, और थोड़ा सा हमें इनको भूनते हुए गलाना है, उसके बाद ही हम इसमें पालक डालेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा रही हूँ, जैसे कि आलू थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आलू और मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, और आलू जो हैं वो थोड़े से जो हैं सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पे अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे, और पालक को हम एकदम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। पालक को हमें मिक्स नहीं करना है क्योंकि पालक बहुत सॉफ़्ट होती है। हम इस तरह से डालकर पालक को अपने आप ही कुक होने देंगे, क्योंकि ये मॉइस्चर जो रिलीज़ करेगी उसी मॉइस्चर में इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, जिससे आलू पालक की सब्ज़ी और भी टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इसी तरह से बना के देखिएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया था, तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए पालक जो है एकदम से सॉफ़्ट हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसको मिक्स करेंगे आलूओं के साथ में। आलू भी थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं, एक बार मिक्स करके हमें फिर से 2-3 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है, और आलू पालक की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ढक्कन लगा रही हूँ,
दो तीन मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। लीजिए, आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। और एक बार इसी तरह से आप सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। तो यहाँ देखिए, आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। इसे मैं सर्व कर देती हूँ बाउल में। तो यहाँ मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। अब आप इसको बनाइए जल्दी से अपने घर पर, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको आप चपाती, राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।